मैं विनय गौर आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। रीडर्स, आज का हमारा चैप्टर क्लास 10th ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 1, ए बेकर फ्रॉम गोवा, ये रहेगा। मैं इस वीडियो में इस चैप्टर की समरी क्वेश्चन आंसर कवर करूँगा। बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। बेकर्स ऑफ गोवा नोन एज पादेर। इन ओल्ड पुर्तगीज डेज द पीपल ऑफ गोवा एट लोब्स ऑफ ब्रेड। नाउ दीज लोब्स हैव डिसअपियर्ड बट देयर मेकर्स आर स्टिल देयर। देयर द फर्नेसेस ऑल्सो एग्जिस्ट देयर इवन नाउ। द साउंड ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बंबू कैन स्टिल बी हर्ड। समवन ऑफ द फैमिली स्टिल कैरीज दिस बिजनेस। दीज बेकर्स आर नोन एज पेडर इन गोवा इवन टूडे। गोवा के डबल रोटी बनाने वालों की पेडर के रूप में पहचान। पुराने पुर्तगाली समय में गोवा के मनुष्य पाव रोटी खाते थे। अब ये पाव रोटी अदृश्य हो गई है, परंतु उसके बनाने वाले अब भी वहीं पर हैं। भट्टियाँ भी अब भी वहीं पर हैं। पारंपरिक डबल रोटी बनाने वालों की बांस द्वारा उत्पन्न आवाज अब भी सुनी जा सकती है। परिवार का कोई एक सदस्य अब भी यह व्यवसाय चलाता है। आज भी गोवा में इन बेकरों को पेडर के रूप में जाना जाता है। कमिंग ऑफ अ बेकर। द बेकर यूज टू बी द ऑथर्स फ्रेंड एंड गाइड। ही यूज टू कम ट्वाइस अ डे। द साउंड ऑफ हिज बंबू वोक द ऑथर एंड अदर्स फ्रॉम स्लीप। द ऑथर यूज टू रन टू हिम फॉर ब्रेड एंड बैंगल्स। द मेड सर्वेंट्स यूज टू बाई लोब्स एंड कैरी देम इन साइड द हाउस। बेकर का आना। बेकर लेखक का मित्र और मार्गदर्शक होता था। वह दिन में दो बार आया करता था। लेखक और दूसरों को उसके बांस की आवाज जगा दिया करती थी। लेखक डबल रोटी रूपी बैंगल्स के लिए उसके पास दौड़ा करता था। नौकरानियां पाव रोटी खरीदा करती थी और उन्हें घर के अंदर ले जाती थी। डिलीवरिंग द लोब्स। द बेकर केम विद द जेंग जेंग साउंड ऑफ हिज बंबू स्टाफ। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड। द अदर बैंग्ड द बंबू ऑन द ग्राउंड। द बेकर वुड प्लेस द बास्केट ऑन द बंबू। द ऑथर एंड अदर्स वुड लुक इन टू हिज बास्केट। दे वुड ईट द लोब्स विद हॉट टी। दे वुड नॉट ब्रश देयर टीथ। पाव रोटी का बांटना। बेकर अपने बांस के डंडे से झंग झंग की आवाज के साथ आता था। एक हाथ उसके सर पर रखी टोकरी को सहारा देता था और दूसरा जमीन पर बांस को पटकता था। बांस पर बेकर टोकरी को रखता था। लेखक और दूसरे बच्चे उसकी टोकरी में झांक कर देखते थे। वे गर्म चाय के साथ पाव रोटी खाते थे और वे अपने दांतों को ब्रश भी नहीं करते थे। इंपोर्टेंस ऑफ ब्रेड। द बेकर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ओकेजन्स। मैरिजेस गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल। सैंडविचेस केक एंड वॉलिनोस वर मेड विद द ब्रेड। डबल रोटी का महत्व। सभी अवसरों के लिए बेकर काफी महत्वपूर्ण था। शादी के उपहार बिना मीठी डबल रोटी, जिन्हें बोल कहते थे, उसके बिना बेकार माने जाते थे।
सैंडविच, केक और बोलिनोज डबल रोटी के साथ ही बनाए जाते थे। बेकर्स ड्रिंक्स। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ द पास्ट हैड ए पेकुलर ड्रिंक्स। इट वॉज नोन एज द कबाई। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। इट रीच्ड डाउन टू द नीज। इट इज सिमिलियर टू हाफ पैंट ऑफ टुडे। बेकर का पहनावा। पुराने समय में बेकर वाले की एक खास पोशाक होती थी, इसे कबाई कहा जाता था। यह एक टुकड़े का एक लंबा सा फ्रॉक होता था और वह घुटनों तक आता था। यह आजकल पहनी जाने वाली हाफ पैंट की तरह से होता है। बेकर्स हैप्पी फैमिली। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्डन डेज। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। देयर फैट बॉडीज शोज दैट देवर हैप्पी एंड वर नॉट पुअर। बेकर का परिवार एक खुश परिवार। बेकर प्राय अपने पैसे महीने के अंत में लेता था। पुराने दिनों में बेकिंग का व्यवसाय मुनाफे वाला बिजनेस होता था। बेकर और उसके परिवार कभी भूखे नहीं मरते थे और उनके फैट बॉडीज, उनके मोटे शरीर ये दिखाते थे कि वे खुश हैं और निर्धन नहीं हैं। नाउ क्वेश्चन आंसर फ्रॉम दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज एंड देयर लव ऑफ ब्रेड एंड लोप्स। द राइटर सेज that the eaters of loaves have left but the makers still exist. Is bread making still popular in Goa? How do you know? Yes, bread making is still popular in Goa. This is very clear from the narrator's statement that the eaters have gone away, leaving the makers behind. There are mixers, molders, and the one who bake the loaves. The time-tested furnaces still exist there. What is the baker called? Baker ko kya kehte the? The baker is called a pedder in Goa. बेकर को पेडर कहा जाता था। When would the baker come every day? Why did the children run to meet him? The baker would come twice a day, once early in the morning and second time when he returned after selling his stuff. The children would run to meet him as they wanted to have bread bangles. Match the following. What is must? So here is the answers. A marriage gift, that is sweet bread called bol. For a party or a feast, bread. For a daughter's engagement, that is sandwiches. And for Christmas, cake and bolinos. What did the baker bear in the Portuguese days? The bakers were usually dressed up in a peculiar dress called kabai. It was a single piece long frock reaching down to the knees. When the author was young, during his childhood days, the author saw the
The bakers, bearing a shirt and trouser which were shorter than full length and longer than half pant. Who invites the comment? He is dressed like a pedler. Why? Any person who is bearing a half pant which reaches just below the knees invites this comment. This is because the baker known as pedler used to dress like that. Where were the monthly accounts of the baker recorded? So monthly accounts of the baker were recorded on some wall in the house with a pencil. What does a jackfruit like appearance mean? It means having a plump physique like a jackfruit. Is bread an important part of Goa life? How do you know this? Yes, bread is an important part of Goa life. It is needed for marriages, parties and feasts. Bread is also needed by a mother for preparing during her daughter's engagement. Thus, it is necessary to have breads for every occasion, because of which the presence of a baker's furnace in the blaze is very important. What did the baker do first once he reached the house? The baker would first greet the lady of the house by saying good morning. He would then place the basket on the vertical bamboo and deliver the loaves to the servants. How did the baker make his entry? The baker used to enter with the jingling sound of his specially made bamboo staff. His one hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. How do we get to know that the makers of bread still exist? The narrator states that the eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. He further says that those age-old, time-tested furnaces still exist, and the fire in the furnaces had not yet been extinguished. What is the importance of bread for the Goans? Different kind of breads are important during the different occasion. Bolinoch had to be prepared during Christmas and other festivals. The mother used to prepare sandwich on the occasion of their daughter's engagement. So the baker's furnace was essential. Describe the dress of the bakers. The bakers had a peculiar dress earlier known as the kabai. It was a one-piece long frock reaching down to the knees. So thank you for watching this video. If you are on my channel for the first time, please subscribe it. Thank you.